नमस्कार, UBN 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। मुंगावली राठौर की रिपोर्ट। भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है। प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान ने सिंधिया पर साधे निशाने। देखते रहिए UBN 08। ताजा खबरों के लिए बने रहिए UBN 08 के साथ। भाजपा कहती है कुछ और करती है कुछ। नकली स्मार्ट सिटी व नाम है असली स्मार्ट सिटी। कांग्रेस प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान ने सिंधिया पर साधा निशाना। राज्य मंत्री ब्रिटेन सिंह यादव को भी लिया लपेटे में। लगता है उपचुनाव में अब तेजी आती जा रही है। दोनों की पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को जिताने की भरपूर कोशिश कर रही है। जनता में माहौल बनाने में कोई भी पार्टी कसर नहीं छोड़ रही है, अपना अपना माहौल बना रही है। आज जो प्रदेश प्रवक्ता ने चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान को भविष्य का मंत्री बताए। प्रदेश प्रवक्ता बोले, अशोकनगर मुंगावली ये दोनों ही सीटों से जीते हैं तो आपको एक मंत्री मिलेगा। सिंधिया और राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव पर निशाना साधते हुए कहा, 17 साल से लगातार सांसद रहते हुए क्या किया है ये आप लोगों के सामने है। चुटकी लेते हुए कहा कि उनके 17 साल के कार्यकाल आपसे और हमसे छिपे नहीं। अशोकनगर मुंगावली दोनों ही सीटों जिताएं, आपको एक मंत्री मिलेगा तो तुरंत चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान बोले कि मुझे पद की लालसा नहीं है, मुझे तो जनता की सेवा करना है। और कमलनाथ जी की सरकार बनानी है। चल रही प्रेस वार्ता प्रदेश प्रवक्ता शहरयार खान, चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान व सत्येंद्र जैन, सीतू भाई व वरिष्ठ नेता फिरदुम दंग, यक्षनोवी शर्मा व अस्मत भाई उर्फ गुड्डू, अजय निदानी आदि उपस्थित रहे। बनी है और साथियों निश्चित रूप से ऐसी लहर है जो 84 में राजीव की और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की जो लहर थी वो आज मध्य प्रदेश में। रघुवंशी हमारे प्रभारी हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोदी खान, हमारे कारवाला का अध्यक्ष रघुवन जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ये चुनाव सत्य और असत्य की लड़ाई है, बिकाऊ और बिकाऊ की लड़ाई है। और 2018 के उपचुनाव में भी इस मुकाबले से हमारे अभी के वर्तमान मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बड़ी बातें करी थी और मुकाबले को स्मार्ट जो सपने दिखाए थे वो आपके सामने है। आज भी मुकाबले अपने विकास की बात जोड़ रहे हैं और एक जनसेवक